हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम 17,000 के प्राइस रेंज में बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको तगड़े लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिससे यदि आप गेमिंग करते हैं तो इनमें आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे और आप गेमिंग और कोई भी हैवी टास्क स्मूथली कर पाएंगे। साथ ही इन फोन्स में आप प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ब्लॉगिंग भी करना चाहें तो इनके कैमरे से आपको बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमने सारे फोन्स को काफी रिसर्च और एनालिसिस के साथ फीचर वाइज किया है, जिससे आप अपने लिए बेस्ट फोन सेलेक्ट कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 5 पर है Vivo T1 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज के हाईर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, 5000mAh के साथ साथ इस फोन में 18W का फास्ट चार्जर दिया गया है। सिक्योरिटी पर्पज से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें गेमिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 409,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही ये 187 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 2 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और इसीलिए इसे हमने लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 16,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है रियलमी 9 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल और 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 18W के फास्ट चार्जर के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पज से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 810 पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप स्मूथली गेमिंग कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 380,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही 188 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 5 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 17,299 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है मोटो G71 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 33W के फास्ट चार्जर के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पज से इसमें फेस अनलॉक और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप स्मूथली गेमिंग कर पाएंगे। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 373,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है, साथ ही ये 179 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 16,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है रेडमी नोट 11T 5G स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो
90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की डेटा सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस इस Redmi Note 11T के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 387,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही ये 195 ग्राम का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। यदि इस फोन में आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 17,299 का देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। सो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन पोको M4 प्रो 5G, जिसमें आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस इस पोको M4 प्रो 5G के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है और इससे भी आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ साथ इसमें 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। गाइस सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, और इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आराम से खेल सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 376,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही ये फोन 195 ग्राम का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो 5G नेटवर्क के साथ बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस यदि इस फोन में आप 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 16,999 का देखने को मिल जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।